अब मैं उस सर्वर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा, नीड पैदा करते हैं व्हाई वी हैव टू मेक अ सर्वर मल्टी थ्रेडेड। और अब जो मैं आपको सर्वर बनाना सिखाऊंगा, दुनिया के जितने भी टाइप के सर्वर्स हैं वो इसी लॉजिक पे डेवलप होते हैं। चाहे आप वेब सर्वर की बात करें, चाहे आप मेल सर्वर की बात करें, चाहे आप डेटाबेस सर्वर की, और चाहे आप चैट सर्वर की बात करें। और इसके बाद जब आप कोई भी सर्वर फ्यूचर में यूज करेंगे या उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू गाइस। बहुत आसान हो जाएगा किसी भी सर्वर को अंडरस्टैंड करना कि कैसे हम मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाते हैं और कैसे उसे हम रन करते हैं। ठीक, अभी सी हमने जो लास्ट सर्वर वाला प्रोग्राम डिस्कशन किया था उसमें सर्वर के पास एक क्लाइंट ने अपना सॉकेट थ्रो किया, सर्वर ने उस सॉकेट को कैच कर लिया। एब्सोल्युटली राइट, सर्वर का प्रोग्राम नीचे कंटिन्यू कर गया। अगर कोई अदर क्लाइंट सेम सर्वर पे अपना सॉकेट थ्रो करेगा तो सर्वर इज नॉट एबल टू हैंडल इट, सर्वर उसे हैंडल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका अब एक्सेप्ट मेथड फिनिश हो चुका है। सर्वर हमेशा क्लाइंट के सॉकेट को एक्सेप्ट करता है बाय यूजिंग द एक्सेप्ट मेथड, सो सिंपल। और वो उसका एक्सेप्ट मेथड इज गॉन क्योंकि उसने ऑलरेडी एक क्लाइंट के सॉकेट को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्लाइंट्स आर सेंडिंग देयर सॉकेट टू बैक टू सर्वर, बट सर्वर इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे पास अगर एक क्लाइंट आ गया सो मैं उसके साथ इंटरेक्ट करने लगा, उसे सामान दिखाने लगा, इन बिटवीन पांच क्लाइंट और आ गए, क्या मैं साइमल्टेनियसली उन सबको हैंडल कर पाऊंगा? मुझे अपने सेल्समैन रखने पड़ेंगे, मुझे सेल्समैन रखने पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं हमेशा रेडी रहूंगा न्यू क्लाइंट्स को वेलकम करने के लिए। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं रहूंगा, एक अगर मेरे पास आता है कोई क्लाइंट सो मैं उनसे बोलूंगा सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, वो मुझे बताएंगे, फिर मैं अपने सेल्समैन को बोलूंगा जाइए आप इनको ये आइटम दिखाइए, मैं फिर फ्री हो जाऊंगा टू वेलकम टू अनदर क्लाइंट। फिर दूसरा क्लाइंट मेरे पास आएगा, मैं उसको फिर से एंटरटेन करूंगा, आपको क्या चाहिए, मैं दूसरे सेल्समैन को दूंगा। अभी क्या है, मैं अकेला हूं। अगर एक क्लाइंट आ जाता है तो आई एम बिजी विद देम, और अगर मेरे पास 10 क्लाइंट आएंगे तो मैं उन्हें हैंडल नहीं करना पड़ेगा, उन्हें मुझे वेट कराना पड़ेगा, आई हैव टू वेट देम, और फिर कस्टमर पे वेट। इसीलिए सेल्समैन रखने पड़ते हैं शॉपकीपर को, शॉपकीपर हमेशा नए कस्टमर को वेलकम करने के लिए रेडी रहता है। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दैट सर्वर, वो एक सिंगल थ्रेडेड सर्वर था, सिंगल थ्रेड का मतलब उसमें सिर्फ मेन थ्रेड चल रही थी, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द जेवीएम। सो एक सॉकेट आया, उसने उसे एक्सेप्ट किया और आगे कंटिन्यू हो गया। इफ सम अदर क्लाइंट्स आर सेंडिंग देयर सॉकेट टू दैट सर्वर इज नॉट एबल टू कैच इट, सर्वर उसे कैच नहीं कर पाता। सो अब अगर हम चाहते हैं कि सर्वर बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल करे, सो आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें सर्वर के ऊपर, इट्स डैम इजी, अब आप देखना आप ही मुझे आंसर देंगे। मैं ये चाहता हूं कि सर्वर बहुत सारे क्लाइंट के सॉकेट को एक्सेप्ट करे, तो अगर सर्वर के अंदर एक बार एक्सेप्ट मेथड चलता है तो वो एक क्लाइंट के सॉकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सर्वर को बहुत सारे सॉकेट एक्सेप्ट करने हैं तो आपको नहीं लगता वी हैव टू रन एक्सेप्ट मेथड अगेन एंड अगेन इन सर्वर, है ना बेटा जी? और अगर हमें कोई काम बेटिया बार बार करना हो प्रोग्रामिंग में तो कैसे कर सकते हैं? लोसन ने बता दिया, तुमने तो टाइम ले लिया, एब्सोल्युटली राइट, देख लो मैंने लगा भी रखा है ना साहब, सिंपल है बेटा, इट्स वेरी सिंपल, आप ही के ब्रेन से निकलेगा। अगर आपको टारगेट क्लियर है ना, करना क्या है, ऑटोमेटिकली लॉजिक निकलते हैं। सो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू डू, टास्क क्लियर होनी चाहिए, और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने नीड पैदा करी कि एक बार मेरा एक्सेप्ट मेथड जब चलता है तो ये एक क्लाइंट के सॉकेट को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, और मैं चाहता हूं कि मेरा सर्वर बहुत सारे क्लाइंट के सॉकेट को एक्सेप्ट करे। सो आई हैव टू रन एक्सेप्ट मेथड अगेन एंड अगेन इन माय सर्वर। और किसी भी काम को बार बार अगर अपने सर्वर में करना है, आपने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया बेटे, क्या लगाना पड़ता है, वी हैव टू पुट अ लूप, वेरी सिंपल। अब लूप है, साइज देंगे, अगर बेटे 100 तक का लूप चलाया तो एक्सेप्ट मेथड कितनी बार चला, तो कितने क्लाइंट से कनेक्ट हुआ, बिल्कुल। अगर मैं 1000 तक लूप चलाऊं तो 1000 क्लाइंट के सॉकेट लेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा वो। अगर आपने लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट के लिए अपना सर्वर चलाना है तो फिर आपको उसके अंदर नंबर ऑफ टाइम उसमें लूप में साइज दे दीजिए। क्या सर्वर कभी किसी भी लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट के लिए चलते हैं? वो हमेशा अनलिमिटेड। तो फिर लूप भी कैसे लगाऊं, अनलिमिटेड वाला, वो कैसे लगता है, वाइल्ड ट्रू लूप, सामने लगा रखा है मैंने।
सामने लगा रखा है मैंने, सो सिंपल। और आप देख रहे हैं उसके अंदर मैंने एक एक्सेप्ट मेथड लिखा हुआ है, क्योंकि वाइल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो हर बार इसमें एंट्री तो मिल ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक, अब ये तो तय हो गया। अब मैं चाहता हूं ये जो सर्वर सॉकेट ले, अब अगर यही सारे क्लाइंट को एक साथ हैंडल करेगा तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे अब इस सर्वर के अंदर से इसकी एक चाइल्ड थ्रेड शुरू करनी चाहिए। और आप जानते हैं थ्रेड एक कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, विच इज यूज टू अचीव मल्टीटास्किंग। अब सर्वर को बहुत सारे काम, बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करना है, सो वी नीड अ थ्रेड, बिना थ्रेड के अब काम नहीं हो सकता। सो मैं क्या करता हूं, अगर लूप में आप सामने देखेंगे, ये क्लाइंट C1, उसने अपना पहला सॉकेट थ्रो किया, तो एक्सेप्ट मेथड के अंदर मैंने उस सॉकेट को कैच कर लिया। ठीक, अभी तक तो इस सॉकेट को ये सर्वर वाला प्रोग्राम खुद हैंडल कर रहा था, अब नहीं हैंडल करेगा। मैंने उसके नीचे से एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दिख रहा आप लोगों को, माय थ्रेड, न्यू माय थ्रेड, इज इट क्लियर। और ये सॉकेट इस थ्रेड को दे दिया और थ्रेड शुरू कर दी। आप साइड से देखेंगे थ्रेड शुरू हो गई T1, और ये सॉकेट उसके पास चला गया, तो T1 इज हैंडलिंग द C1, है ना। अब उसके पास T1 के पास सॉकेट आ गया, वो उस क्लाइंट का इनपुट स्ट्रीम ओपन करेगी, आउटपुट स्ट्रीम ओपन करेगी अच्छे से, और उस क्लाइंट को डेटा सेंड और रिसीव करती रहेगी, है ना। और तब तक जब तक कि उसका क्लाइंट लॉग आउट या स्टॉप भेज नहीं देता, और वो थ्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जब तक वो क्लाइंट चाहेगा, क्योंकि क्लाइंट लॉग आउट करता है तभी पीछे से सर्वर की थ्रेड क्लोज हो जाती है। अब जैसे ही पहली थ्रेड शुरू हो गई, स्टार्ट मेथड चल गया, अब वो लूप के बाहर तो चेक करने जाएगा कंडीशन, ऊपर लूप का ब्रेक होता है तो ऊपर जाके कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स तो कभी होगी नहीं, वो फिर आके कहां रुक जाएगा, एक्सेप्ट मेथड पे, है ना। अगर इससे एक नुकसान हुआ, एक प्रॉब्लम आई, अब हमारा सर्वर हमेशा इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ये कभी ब्रेक नहीं होगा, कैसे होगा बेटा, इस लूप से तो कभी बाहर आएगा ही नहीं। और ये सर्वर की सबसे एक और स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है, दुनिया के हर टाइप के सर्वर्स दे आर ऑलवेज रनिंग इनफाइनाइटली। आप कभी भी जब तक उन्हें फोर्सली बंद नहीं करेंगे, दे वॉन्ट स्टॉप, ऑटोमेटिकली दे आर नेवर गोइंग टू स्टॉप। जिस दिन वेब सर्वर बंद हो गया, फेसबुक कहां से देखोगे, तो कभी बंद नहीं होते। ऑल द सर्वर, ऑल काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर आर रनिंग इनफाइनाइटली, जब तक उन्हें फोर्सली बंद नहीं किया जाता वो कभी बंद होते ही नहीं। तो एक क्लाइंट आया, सॉकेट एक्सेप्ट किया, थ्रेड को दे दिया, नाउ दैट थ्रेड इज मैनेजिंग दैट क्लाइंट, नाउ सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट द सॉकेट ऑफ अनदर क्लाइंट, क्योंकि वो ऊपर जाके वापस किस पे जाके रुक गया, अगेन एक्सेप्ट मेथड के ऊपर। सी, यहां से थ्रेड शुरू हुई, अब कर्सर ऊपर जाएगा वापस इस कंडीशन को फॉल्स चेक करने के लिए, कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप ब्रेक हो जाता है, लेकिन बेटा कभी फॉल्स होगी ही नहीं, वो वापस यहां आ गया, देन अगेन इट इज वेटिंग फॉर अनदर सॉकेट, फिर से कल दूसरा क्लाइंट आएगा किसी अदर सिस्टम से, उसका सॉकेट कैच करेगा, फिर से एक थ्रेड शुरू होगी, फिर से वो T2 देन T3। इस तरीके से दुनिया के सारे सर्वर काम करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अब अगर मैं इस थ्रेड से उस क्लाइंट को HTML वापस भेजना शुरू कर दूं, तो इसे मैं कह दूंगा वेब सर्वर। अगर मैं यहां से नॉर्मल डेटा भेज दूं तो ये चैट सर्वर, किसी डाटाबेस से डेटा उठा के भेज दूं तो ये डेटाबेस सर्वर। द काइंड ऑफ डेटा यू आर सेंडिंग बैक टू योर सर्वर क्लाइंट, उसी के अकॉर्डिंगली से हम नाम दे देते हैं। जैसे कि हम चैट सर्वर करेंगे क्योंकि हमारे पास सॉकेट आ गया है। अभी जब आप वेब सर्वर पढ़ेंगे, आप देखना जो आप वेब सर्वर पढ़ेंगे, वेब लॉजिक या अपाचे टॉमकैट, डिट्टो यही काम करते हैं, सेम उसके अंदर इनफाइनाइटली थ्रेड ही चल रही होती है। हर ब्राउजर से रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड शुरू की जाती है और आपका काम हो जाता है, बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी होती है। बिना मल्टी थ्रेडेड सर्वर को बनाए आप यूज ही नहीं करते, जो कि मैंने ये बनाने की कोशिश करी। अब यह मल्टी थ्रेडेड बन जाएगा। अब मैं चाहता हूं इस मल्टी थ्रेडेड सर्वर से पब्लिक चैटिंग भी की जाए और प्राइवेट चैटिंग भी की जाए। मल्टी थ्रेडेड तो बन गया, अगर मैं ये जो क्लाइंट का डेटा है, ये वाला सॉकेट इनपुट निकाल के उस डेटा को बड़ी आसानी से रिसीव कर सकता है, नो प्रॉब्लम्स अपने क्लाइंट का, और अगर ये थ्रेड ये डेटा वापस सबको ब्रॉडकास्ट कर दे तो पब्लिक चैटिंग, सॉकेट तो आ गया, डेटा तो आ गया, सिर्फ अगर ये सबको वापस ब्रॉडकास्ट कर देगा तो पब्लिक चैटिंग। यही काम दूसरे क्लाइंट की थ्रेड करेगी, वो अपने क्लाइंट के सॉकेट से इनपुट रिसीव करेगी और सबको ब्रॉडकास्ट, तो सबका डेटा सबको मिलना शुरू हो गया,
दैट इज व्हाट पब्लिक चैटिंग. और अगर वो थ्रेड केवल सीटू को डेटा वापस बैक कर दे रादर देन ऑल तो ये क्या बन जाएगा प्राइवेट चैटिंग. तो सिंपल. अब ये बनाते कैसे है इस चीज को देखते हैं और फिर मैं आपको इसका एक अच्छे से कोड रन करके दिखाता हूं. अब इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना होगा कि हम पहले हम बात करते हैं पब्लिक चैट सर्वर की. मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो P1 थ्रेड है उसके पास जो सॉकेट आया है वो उससे इनपुट स्ट्रीम चलाए, अपने क्लाइंट का डेटा उस इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से रिसीव कर ले और ये डेटा सारे क्लाइंट को वापस भेज दे. तो हमारी बड़े अच्छे से फिर जो काम एक थ्रेड करेगी वो दूसरी करेगी वो तीसरी, क्योंकि जो मैंने थ्रेडिंग कराई है वो सिंगल क्लास का एक ही माई थ्रेड क्लास है, इसी के बार बार ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, सब पे रन मेथड सेम चलेगा. अगर आपने थोड़ी सी थ्रेडिंग पड़ी होगी तो ऑल द थ्रेड्स आर डूइंग द सेम टास्क, बस सबके सॉकेट अलग अलग होंगे, वो अपने अपने सॉकेट से डेटा लेंगे और बाकी सबको ब्रॉडकास्ट कर देंगे. और अगर एक पब्लिक पर्टिकुलर को भेज दें तो प्राइवेट चैटिंग हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट. अब ये करें कैसे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा लॉजिक चाहिए. कोई सोचे बताए, इट्स टू इजी. आप में से कोई बताना चाहे लगा सकते हैं लॉजिक, कोई क्लू, जैसे आपने अभी मुझे दिया कि सर लूप लगा दीजिए. बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली राइट. छोटा सा क्लू है और ये सर्वर मल्टीथ्रेडेड बन जाएगा और ये प्राइवेट भी चैटिंग करने लगेगा और पब्लिक भी करने लगेगा. फिर मैं कोड तो रन करके आपको अच्छे से दिखाऊंगा. स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट मतलब वो तो है ही बेटे, सॉकेट से सबके अलग अलग आएंगे. चलो मैं हिंट देता हूं. देखो जो पहली थ्रेड है उसके पास अपने क्लाइंट का सॉकेट है और वो अपने क्लाइंट से डेटा रिसीव भी कर सकती है क्योंकि उसकी इनपुट स्ट्रीम खोली हुई है और वो अपने क्लाइंट को डेटा सेंड भी कर रखी है क्योंकि उसकी उसने आउटपुट स्ट्रीम ओपन की हुई है. अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ये जो रिमेनिंग मेरे क्लाइंट है इनके सॉकेट भी उसको दे दूं, पहली वाली थ्रेड को, ध्यान से सुनना, पहली वाली थ्रेड के पास अपने क्लाइंट का सॉकेट तो है वो अलग से है, प्लस जो अदर क्लाइंट्स हैं उनके सॉकेट भी उसके पास एक ग्रुप में एक पैकेट में एक डिब्बे में दे दिए मैंने. और मैंने उस थ्रेड से कहा तेरा तेरे क्लाइंट का सॉकेट तेरे पे सेपरेट है, उससे तो इनपुट निकाल ले, डेटा रिसीव कर लिया, देन जो अदर सॉकेट तेरे पास है उनको एक एक करके डब्बे से निकाल, उस पर आउटपुट ऑप्शन निकाल और ये डेटा सेंड कर, फिर दूसरा सॉकेट निकाल यही डेटा सेंड कर, जब तक कि डब्बे में वो सारे सॉकेट खत्म ना हो जाए. बस उसके पास क्या होनी चाहिए, अपना सॉकेट अलग से होना चाहिए और अदर क्लाइंट के सॉकेट की कलेक्शन अलग से होनी चाहिए, सेम काम इसको. तो मैं ये चाहता हूं कि ये सॉकेट तो है ही, यहां कॉमा लगा के बाकी सारे सॉकेट की कलेक्शन अलग से दे दो. तो थ्रेड को किसने क्लियर बताएं कि मेरा सॉकेट कौन सा है और अदर थ्रेड के सॉकेट कौन से हैं, अपने वाले पे सिर्फ इनपुट स्ट्रीम चलानी होगी और बाकी उस कलेक्शन में से उस डिब्बे में से पहला सॉकेट निकाला बेटे उसका आउटपुट निकाला तो नेचुरली ये डेटा इसमें सेंड करेंगे तो वो जिस क्लाइंट का सॉकेट है उसी के आउटपुट उसके पास जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक कि उस कलेक्शन में से सारा का सारा सॉकेट खत्म ना हो जाए. यही काम दूसरी थ्रेड करेगी, उसके पास अपना सॉकेट होगा प्लस अदर सॉकेट की कलेक्शन भी होगी, काम हो जाएगा मेरा. मैं बिल्कुल सही सोचा है, मैंने सिर्फ यहां दिमाग लगाया कि अगर एक थ्रेड एक सॉकेट से अपने क्लाइंट से डेटा रिसीव भी कर सकती है, उसे डेटा सेंड भी कर सकती है, इसका मतलब अगर उसके पास अदर क्लाइंट के सॉकेट आ जाए तो उनको भी डेटा सेंड कर सकती है, उनसे भी, बस अदर का रिसीव तो करना नहीं, हमने तो सिर्फ अदर को सेंड करना है. अब ध्यान से सुनो, वो जो डिब्बा है मेरे पास, वो जो कलेक्शन है अदर क्लाइंट के सॉकेट की, अगर इस क्लाइंट का जो थ्रेड है, ये क्लाइंट अपनी थ्रेड से कहता है मुझे रवि को डेटा भेजना है, सबको नहीं भेजना, तो एक काम करो ना, कलेक्शन वाले रवि वाला सॉकेट निकाल लो, किसने कहा सारे निकालो, तो डेटा सिर्फ किसको जाएगा, होगी प्राइवेट सेटिंग, इट्स सो सिंपल, बस कलेक्ट करना है, दैट इज द मेन पॉइंट. अगर उस कलेक्शन में से सबको भेजना है तो सबको सॉकेट निकालिए, सबको भेजना शुरू कर दीजिए, और एक पर्टिकुलर क्लाइंट को भेजना है तो सिर्फ उसी से सॉकेट निकाल लीजिए, पब्लिक भी बना लो और प्राइवेट भी बना लो, सो सिंपल. बिल्कुल छोटा सा लॉजिक लगाना है हमें आपको,
कि जब एक सॉकेट एक थ्रेड एक सॉकेट से अपने क्लाइंट से डेटा सेंड और रिसीव कर सकती है तो वो अदर से भी सेंड और रिसीव कर सकती है अगर उसके पास क्या आ जाए उस क्लाइंट बाकी क्लाइंट्स के सॉकेट आ जाए। अब हमें ये लॉजिक लगाना है, क्लियर तो हो गया कि सारे के सारे अदर क्लाइंट के सॉकेट को कहां गैदर करके रखें एंड हाउ टू गिव दोस पर्टिकुलर कलेक्शन टू ईच थ्रेड और उसके अपने क्लाइंट की सॉकेट अलग से देना होगा। अब मुझे थ्रेड को दो चीजें पास करनी होंगी, नंबर वन एक उसके क्लाइंट का अपना पर्सनल सॉकेट प्लस अदर क्लाइंट के सॉकेट की कलेक्शन, दो चीजें दे दो अपने से इनपुट बाकी से आउटपुट जब तक की खत्म ना हो जाए, या पर्टिकुलर एक निकालो और उसे सेंड बैक कर दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाता है और इसी चीज को मैं अब करने की कोशिश करता हूं। तो मल्टी फंक्शन में आ गया, अब मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूं और इसके लिए हम जावा का एक और टॉपिक यूज करेंगे, दैट इज व्हाट कलेक्शन। बिल्कुल सही जवाब, आप सबने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे अपने कोर्स में, कलेक्शन काफी यूज होता है। ये एक टॉपिक है जिसके थ्रू हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक कॉमन प्लेस पे संभाल के रख सकते हैं, सिंपल। ठीक, तो मैं कलेक्शन की एक क्लास यूज करने वाला हूं जो कि हमें यूटिल पैकेज में मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड एरे लिस्ट। सो व्हाट आई डू, मैं यहां पर आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ वन एरे लिस्ट क्लास, उसके बाद इस लूप के अंदर पहला सॉकेट आया, एरे लिस्ट का मेथड यूज किया एड और वो सॉकेट इसमें एड कर दिया और ये एरे लिस्ट किसको पास कर दी, थ्रेड को करंट सॉकेट के साथ। देखिए कैसे किया ये काम मैंने, सबसे ऊपर मैंने एक एरे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, इट इज अ क्लास ऑफ कलेक्शन जिसके अंदर मैं अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकता हूं। उसके बाद सर्वर सॉकेट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वाइल टू लूप शुरू किया, क्लाइंट से पहले सॉकेट के मेरे पास आ गया, इज इट क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने क्या यूज किया, एरे लिस्ट का एक मेथड एड और उसके अंदर मैंने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट डाल दिया। आफ्टर दैट मैंने फिर अपनी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे सॉकेट अलग से दिया और एल अलग से दे दी, तो उसको करंट सॉकेट अलग से जा रहा है और अदर सॉकेट की कलेक्शन अलग से और फिलहाल इस एल में वो खुद ही स्टोर है, अलग से कोई और तो आया नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां दो चीजें पहुंच गई, ठीक। उसके बाद दूसरा क्लाइंट आया, उसका सॉकेट एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद हमने एल के अंदर दूसरा, अब एल में दो सॉकेट हो गए, ऊपर देखो अब ये एल और नया सॉकेट किसके पास गया, अदर थ्रेड के पास, यहां पे आ गया। अब नोटिस करो इस एल के अंदर एक सॉकेट है और इस एल के अंदर दो, अरे नहीं बच्चों दोनों पे दो है, क्यों, ऑब्जेक्ट तो एक है, सिर्फ उसका रेफरेंस आईडी पास कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट तो एक होता है और एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी हजारों वेरिएबल में रखा जा सकता है, तो एल में रेफरेंस आईडी है बेटा, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, ऑब्जेक्ट एक बफर है, दैट्स इट। अब उसी बफर का रेफरेंस पहली वाली थ्रेड के पास है, उसी का दूसरी के पास, तो दोनों वहीं जाएंगे तो दोनों को दो सॉकेट मिल जाएंगे। सिमिलरली तीसरा क्लाइंट आएगा, उसका भी सॉकेट कैच किया जाएगा और उसे भी एल में ऐड कर दिया जाएगा। सो हर थ्रेड के पास अपना पर्सनल सॉकेट भी है क्लाइंट का, प्लस बाकी सारे की कलेक्शन भी है जो हमने एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें डालते गए, सबका रेफरेंस सारी थ्रेड को देते चले गए। अब सारी थ्रेड का काम क्या है, जो सॉकेट उनके पास आया है उससे इनपुट स्ट्रीम को रिट्रीव करो, डेटा बाहर निकाल लो, एल से पहला सॉकेट निकाला आउटपुट निकाला डेटा सेंड कर दिया, एल से दूसरा सॉकेट निकाला आउटपुट निकाली ये वाला डेटा सेंड कर दिया, कब तक, जब तक कि एल के अंदर सारे सॉकेट फिनिश नहीं हो जाते। सेम काम पहली थ्रेड करेगी, सेम काम दूसरी थ्रेड करेगी और सेम काम तीसरी थ्रेड करेगी और फर्स्ट क्लास मेरी पब्लिक चैटिंग हो जाएगी इस मल्टी थ्रेडेड सर्वर को यूज करते हुए, आसानी से हो जाएगी और क्लाइंट आएंगे और उनका लूप मैंने लगा रखा है जब तक कि उस सॉकेट से उनके क्लाइंट से लॉग आउट या स्टॉप की स्ट्रिंग वापस नहीं आ जाती। तो कोई खास बड़ा लॉजिक था नहीं, आसानी से कर सकते थे, बस थोड़ी सी थ्रेड आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर थ्रेड आपको क्लियर है तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अब सर्वर शॉपकीपर का काम कर रहा है, मेक इट क्लियर, क्लाइंट आता है एक अपने सेल्समैन को असाइन कर देता है, चल भाई,
और अपने आप सेल्समैन का काम खत्म जब वो अपने क्लाइंट को डेटा सेल कर देता है, खाली बैठ जाता है वो, दैट्स इट, वो थ्रेड बंद हो जाती है. मेन थ्रेड इज ऑलवेज रनिंग विच हैज बीन स्टार्टेड बाय द जेवीएम, जिसे जेवीएम स्टार्ट करता है. बताइए साहब, कोई था लॉजिक? सिंपल लॉजिक था, सॉकेट कैच करें, थ्रेड शुरू करें, उसे दे दे, सॉकेट कैच करें, थ्रेड शुरू करें, उसे दे दे, प्लस सबके सॉकेट दे दो तो पब्लिक चैटिंग भी हो गई और प्राइवेट चैटिंग. सिर्फ कलेक्शन कर लिया एक डब्बे में, डब्बा आप भी ले लो, डब्बा आप भी ले लो, डब्बा आप भी ले लो, सिंपल. और इसी को यूज करके हम, मैं आपको प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग करके एक पब्लिक चैट सर्वर रन करके दिखाता हूं, उसका कोड भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं. वही स्ट्रीम यूज करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल है. पहली वाली थ्रेड पे एक लूप लगाएंगे जब तक कि उसके सॉकेट से क्या ना आ जाए स्टॉप, तो वो गेट इनपुट स्ट्रीम देती रहेगी. फिर एक एयर में से सॉकेट निकालना है, सेंड करना, एयर में से सॉकेट निकालना है, इस तरीके से काम होता चला जाएगा. लेट्स रन इट, रन करके देखते हैं इसको. सी द कोड, पहले मैंने सर्वर के कोड के बारे में बात करी और जैसा भी आपको दिखाया डिट्टो वही कोड लिखा है, नथिंग एल्स. नाउ सी, सबसे पहले एक एरेलिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो हमें कहां मिलते हैं, यूटिल पैकेज के अंदर, फिर वही सर्वर सॉकेट, फिर वही सॉकेट. माय सर्वर और मेरा कंस्ट्रक्टर, सर्वर सॉकेट का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और इस सर्वर को पोर्ट नंबर 10 पे स्टार्ट कर दिया. देन ये रहा वाई टू लूप, ठीक, ये रहा इसका एक्सेप्ट मेथड. थोड़ा सा साइड में कर दें इसे, नाउ सी सर्वर यहां आके रुक जाएगा और ये पहले क्लाइंट के सॉकेट को एक्सेप्ट करेगा. एम आई राइट? पहले क्लाइंट का सॉकेट आया, उसने किसमें ऐड कर दिया, उसे एरे लिस्ट के अंदर, और फिर किसका ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड का, और ये करंट सॉकेट दे दिया और साथ साथ ये कलेक्शन भी दे दी. तो पहली थ्रेड के पास दोनों चीजें आ गई. फिर क्योंकि मैंने थ्रेड को, और यहां मैंने थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, ये आप जानते हैं थ्रेड को स्टार्ट करने का तरीका है, और थ्रेड स्टार्ट हो गई और ये सर्वर फिर से ऊपर मूव कर गया. ये चेक करने गया कहीं कंडीशन ट्रू तो नहीं है, और कंडीशन ट्रू ही है तो वापस नीचे आ गया, एंड इट इज वेटिंग फॉर अनदर सॉकेट. बस ये प्रोग्राम यही फिनिश हो जाता है, दैट्स इट. अब जो भी कुछ करना है किसमें करना है, थ्रेड क्लास के अंदर. ये तो सर्वर हो गया, इतना छोटा सा सर्वर, ये रिसीव करता रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड शुरू करता रहेगा. अब 100,000 क्लाइंट भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स. ठीक, अब चलते हैं इस थ्रेड क्लास के अंदर जिसने ये काम. हां बेटा, हां बेटा, ये देखो, हां पब्लिक कर रहा हूं. हाँ तो प्राइवेट में जब क्लाइंट कहेगा स्ट्रिंग दे देंगे, उससे उस पहले भेज तो दे बेटा पूरा कलेक्शन, फिर थ्रेड में जाके चेक करेंगे कि उसका क्लाइंट किससे बात करना चाहता है, उसी का सॉकेट उस एल से निकालेंगे. अभी तो सेंड करें ना बेटे, वी आर जस्ट सेंडिंग एल टू ईच द थ्रेड्स, है ना. उसके बाद वहां जाके चेक कर लेंगे जब क्लाइंट का डेटा आएगा कि भाई क्या चाहता है, सबको सेंड करना चाहता है या किसी एक को, दैट्स इट. तो वो उसका कोई नाम वाम भेजेगा, तो फिर हमें यहां पर एरे लिस्ट की दूसरी, यही मैं बताता हूं बेटा, अभी तो मैं पब्लिक चैटिंग का नाम बना रहा हूं. अगर प्राइवेट का बनाना है तो कलेक्शन की एक और क्लास यूज करनी पड़ती है, मैप, वहां पर नाम और फिर सॉकेट जाएगा. तो जो क्लाइंट लॉगिन करेगा उसी नाम से हम सॉकेट को
ऐड कर देंगे। बस यूजर ने कहा इस पे, वो जिस लाइन पे क्लिक करेगा वो स्ट्रिंग सर्वर पे भेजेंगे, उसी स्ट्रिंग को उस मैप में सर्च करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, मैप वाली क्लास यूज करनी पड़ेगी। फिलहाल यहां पर जो कोड मैं डिस्कस कर रहा हूं वो किसका, पब्लिक चैटिंग का, जो मैं भी करके भी दिखाऊंगा अच्छे से। बस एरलिस पहुंच गया, एरलिस की जगह मैप की जगह पिछा दो, बात एक ही है। नाउ सी माई थ्रेड इंप्लीमेंट, ये तो रनेबल है। अब जब मैं माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहा था, आई वॉज पासिंग दिस टू ऑब्जेक्ट, एक सॉकेट क्लास का और एक एरलिस का, तो दोनों कैच भी करने पड़ेंगे। वो एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। दोनों को डिसमिस करके क्लास लेवल पे संभाल के रख लिया, क्योंकि मुझे थ्रेड के रन मेथड में उसे यूज करना है। अगर मैं क्लास लेवल पे नहीं रखूंगा तो कंस्ट्रक्टर फिनिश होते ही दोनों वेरिएबल फिनिश हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें क्लास लेवल पे शुरू कर दिया। अब जैसे ही थ्रेड शुरू होगी ये रन मेथड चलेगा। अब आप देख सकते हैं ये मैंने इस जो करंट क्लाइंट था उसके सॉकेट पे क्या चलाएंगे, इनपुट स्ट्रीम, और इसे कायम में कन्वर्ट कर दिया डेटा इनपुट स्ट्रीम के अंदर। नाउ ये अपने क्लाइंट से डेटा यहां पर रीड कर रहा है, जो पहली थ्रेड है वो अपने क्लाइंट से डेटा यहां पर रीड कर रही है उसी सॉकेट से जो मैंने उसे अलग से प्रोवाइड कराया। अब उसने अपने क्लाइंट से डेटा ले लिया, अब ये डेटा सबको सेंड करना है। अब बारी आएगी किसकी, एरे लिस्ट की। एरे लिस्ट में से पहला सॉकेट निकालो, ये डेटा सेंड करो, दूसरा सॉकेट निकालो, ये डेटा सेंड करो। और इसके लिए मैंने एक प्यारा सा फंक्शन कॉल किया, यहां पे मैंने एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि क्लाइंट ने अगर स्टॉप नहीं भेजा है तो डेटा मैं सबको ब्रॉडकास्ट करूंगा, अगर उसने स्टॉप भेज दिया तो फिर वो उसी के पास जाएगा और उसका प्रोग्राम वही खुद ही बन। स्टॉप सबको ब्रॉडकास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइंट अपने आप को स्टॉप करना चाहता है तो उसका स्टॉप मेथड, सबको स्टॉप उसका वर्ड क्यों सबको शो करूं। तो अगर उसके क्लाइंट ने स्टॉप नहीं भेजा तो मैंने एक प्यारा सा फंक्शन कॉल कर दिया, क्या